अरे बाप रे, ये दुकान पे क्यों आ रही है? हाँ, कुछ काम धंधा नहीं है क्या इसको? भगा इसको, भगा। ऐसे कैसे भगा दूं अन्ना? अरे कैसे भगाऊं क्या? बोल इसको कि ऐसे फालतू टाइम पास करने के लिए मुंह उठा के हमारी दुकान पे नहीं आ जाने का। ये फालतू किसको बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, फालतू इन्होंने आपको नहीं टाइम पास को कहा है, और आपको तो इन्होंने मुंह उठा के यहाँ नहीं आने का ऐसा कहा है। क्या है ना अन्ना? अरे ये, अरे ए, ए, कैसे समझा ये? पहले इसे समझा। अरे बहन जी, मैं आपके बारे में नहीं, वो आपके पीछे मेरी बहू आ रही है ना, उसके बारे में बात कर रहा था मैं। अब कैसे इनको भी समझा? उधर भारती, ऐसे गिरायकी के टाइम पे दुकान पे क्यों आई हो तुम? अन्ना नाराज मत होइए, लेकिन मैं ये पूछने आई कि खाने में क्या बनाना है। क्या बनाना है का इशारा? ऐसा कैसा? ये बनाना का इशारा था। बनाना की खेती साउथ में होती है, और भरतनाट्यम भी साउथ में होता है ना, तो हुआ ना बनाना का इशारा। तो अन्ना, खाने में क्या बनाना है? साउथ से अच्छा याद आया, कुछ वो इडली सांबार चटनी बिटनी बना दे। बराबर, लेकिन अन्ना इडली का खीरा तो है ही नहीं ना। ये सब छोड़ दे बाबा, तू सीधा साधा रोटी सब्जी बना, भिंडी की सब्जी बना दे। बराबर, लेकिन अन्ना भिंडी तो है ही नहीं। है, निर्मिति ने पुदीने की चटनी बना के रखी है, वो वेस्ट हो जाएगी ना। लेकिन पुदीने की चटनी मैं खाऊंगा किसके साथ? सबके साथ। क्या अन्ना, आप भी हमारे घर में कभी किसी ने अकेले कुछ खाया है? खाया है ना, तूने खाया है मेरा दिमाग। अभी चुपचाप घर पे जा, जो बनाने का है बना। बराबर, चावल और कड़ी बना दूं? कड़ी चावल बना। बराबर, अभी एक सेकंड भी यहाँ कड़ी रही तो तुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कड़ी चावल बना जा। हाँ जी बहन जी। भाई साहब, तो पेपर बैग दीजिए ना एक्स्ट्रा। नहीं, मेरी दुकान में एक्स्ट्रा फ्री बिरी ऐसा कुछ नहीं मिलता है कभी। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तो पेपर बैग ही तो मांग रही हूँ। नहीं मतलब नहीं, सामान के साथ जितना पेपर बैग लगता है ना उतना हम लोग देते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी फ्री नहीं। फ्री 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 फ्री। एक किलो भाखरवड़ी के साथ ये फैंसी छाता फ्री। आइए आइए आइए, अरे दीजिए छाता दीजिए इनको। रखिए अपनी भाखरवड़ी, तो थैली मांग रहे थे तो भाव खा रहे थे, वहाँ पे एक छतरी फ्री में मिल रही है। आइए 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 आइए, सब लाइन लगाइए। ये महेंद्र भाव ने नया क्या शुरू किया है? जो कुछ भी नया शुरू किया है और जो हिसाब से कस्टमर भाग रहे हैं ना, अपनी दुकान जल्दी बंद करनी पड़ेगी। हाँ? ऐसा थोड़ी होता है प्रभाकर दादा, कुछ भी क्या सोचते हो आप? मिला नहीं? मिला नहीं? मिला? अरे नहीं ना, पता नहीं कहाँ चला गया, यही तो रखा था मैंने। आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? किचन में दही रखा था जमाने के लिए, कड़ी बनानी है, दही नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो मुझे नासिक जाना पड़ेगा। नासिक? हाँ, वो अपने कुलकर्णी का है ना, कुलकर्णी का, उनको लाने के लिए। अरे बाड़ा, लेकिन उनका नासिक और हमारे घर का दही इसमें क्या संबंध है? वो सदाशिव है ना, सदाशिव जो कुलकर्णी काका की दुकान में काम करता है, वही कल बोल रहा था कि वो कुलकर्णी काका की दुकान पे सालों से अच्छे से जम गया है, तो मुझे लगा कि हमारा दही भी हम वहां पे रखेंगे तो अच्छे से जम जाएगा। लेकिन मैं अभी लेने गया ना तो दुकान बंद थी, मैंने बहुत खोलने की कोशिश की तो टूट गया। अरे देवा, तूने दही के लिए उनके दुकान का दरवाजा तोड़ दिया? पांव तोड़ दिया। मैंने खोलने की कोशिश की ना तो पांव टूट गया। अरे बाड़ा, तू भी ना नकोते उद्योग करता रहता है। चल कमरे में चल, तू चल आराम कर धीरे। अरे हलो, हे भगवान, मैं अन्ना को कड़ी चावल का बोल के आई हूँ, दही मिल नहीं रहा है, दही के बगैर क्या करेंगे? हाँ,
बाजार के दही की कड़ी तो अन्ना खाएंगे नहीं। भारती तू एक काम कर, उर्मिला महीनी के यहाँ से दही ले आ। हाँ ये अच्छा आइडिया है, बेटी तो ला ही रहे है, पहले दही लेके आती हूँ, मतलब लाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं अभी आई, मतलब लाई। डॉक्टर रोगी? हाँ भाई, हाँ सेम अवे। अभी डॉक्टर रोगी डॉक्टर योगी वो दोनों सेम ही होता है, लास्ट में घी आता है ना उसमें, तो आप क्या बाल की खल निकालने बैठ जाते हो। आप मुझे ये बताइए कि हमारे बिस्किट के रिपोर्ट्स में क्या आया है भाई? क्या ये क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ 10 साल? हे भगवान ये क्या हो गया? पता नहीं किस मनोज डायन की नजर लग गई हमारे घर को। हे भगवान, एक तरफ बेटी की जान आ रही है और दूसरी तरफ जान जा रही है। गुजराती में जान आना मतलब बारात आना होता है, ये तो बताया था इन्होंने, लेकिन उर्मिला वेनी जान जाने की बात क्यों कर रही है? अब ये गुजराती वाली जान है या हिंदी वाली, सुनना पड़ेगा। ये लीजिए आपकी भाखरवड़ी और ये आपका छाता, फिर से आइएगा। अच्छा एक मिनट। हेलो हेलो महेंद्र, उर्मिला बोल रही हूँ। झमेला पाल रही हूँ? अरे तो मैं क्या करूँ बहन जी, ये आदमी एक तो किसी का नंबर सेव नहीं करता है, ऊपर से भलता सलता सुनते रहता है फोन पर। झमेला नहीं उर्मिला। घमेला? बहन जी हम यहाँ भाखरवड़ी बेचते हैं, घमेला नहीं बेचते। अरे उर्मिला 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 उर्मिला। अच्छा अच्छा उर्मिला बोल रही हो। आई ए शंकर। अरे हाँ हाँ उर्मिला, अरे तू क्या ये झमेले घमेले में पड़ी है? हाँ ये फ्री छतरी का आइडिया तो सॉलिड चल पड़ा है, इतनी सेल हुई है भाखरवड़ी की, इतनी सेल हुई है कि तबले टूट गए, घुंघरू छूट गए। क्या तबला घुंघरू? आप बिजनेस ही कर रहे हो ना कि कोई साइड बिजनेस करने लगे हैं? अरे उर्मिली मैं तो सिर्फ खुशी का इजहार कर रहा हूँ। खुशी को छोड़िए महेंद्र, यहाँ बहुत बड़े दुख के समाचार है। मुझे पता था उर्मिली कि तूने जो इंटरनेट से वो कॉन्ट्रैक्टर बुलाया ना, कौन डामर वाला, वो हमारी टपकती हुई छत रिपेयर नहीं कर पाएगा, सिर्फ डेटा कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा। अरे महेंद्र वो कॉन्ट्रैक्टर तो 2 दिन में काम शुरू करने वाला है। आप छत के टपकने की चिंता छोड़ दीजिए, यहाँ किसी और के टपकने के समाचार है। मैंने आज डॉक्टर को फोन किया था महेंद्र। अरे हाँ याद आया, आज तो बिस्किट के रिपोर्ट आने वाले थे, किसी के टपकने की खबर है, ऐसा क्यों बोला तुमने? क्या क्या बोला क्या डॉक्टर, क्या हुआ है हमारे बिस्किट को? जॉन्डिस? अरे ना होगे तो? जानलेवा बीमारी है उसको। ये तुम क्या बोल रही हो उर्मिला? डॉक्टर ने कहा है सिर्फ 10 साल बचे हैं उसके पास। भाई 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 भाई, ये उर्मिला मैंने किसके बारे में बात कर रही है? ये क्या हो गया उर्मिली, हमारे बच्चे के पास सिर्फ 10 साल बचे हैं? आप तो बाप है महेंद्र, एक माँ के दिल पर क्या बीत रही है मैं आपको क्या बताऊं? अपनी ही आंखों के सामने अपनी ही औलाद को मरते हुए देखना। औलाद ये उर्मिला वेनी नक्की गायत्री की बात कर रही है। गायत्री के पास सिर्फ 10 साल बचे। उर्मिली शांत हो जा। अरे हमारे बच्चे के पास अभी भी 10 साल हैं, और इन 10 साल में देखना उसकी जिंदगी हम खुशियों से भर देंगे। तू लिख ले, टेक इट फ्रॉम मी,
और अच्छी सी कुतिया देकर उसके उसकी शादी भी कर देंगे। हाँ महेंद्र, शादी तो जरूर करेंगे। उसके जाने से पहले उसके सारे अरमान पूरे करेंगे। लेकिन सुन, ये एक बात का ख्याल रखना, गायत्री को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। अगर गायत्री को कहीं से पता चल गया ना तो वो गायत्री को हम पता नहीं चलने देंगे, वो तो शादी ही कैंसिल कर देगी महेंद्र। बस उर्मिला बस, मैं घर आ रहा हूँ तुझसे मिलने। हा? भाई, अगर मैं बताऊंगी कि मैंने उनकी बात चुपके से सुन ली है तो वह नहीं सोचेगी कि मैं उनके घर की जासूसी कर रही हूँ। तुझे कुछ पता नहीं है भारती, ऐसे दिखा कि कुछ पता नहीं है। हंस। अरे बाप रे, उर्मिला इस दुर्गावती को पता चला तो समझो पूरे गोखले सर्कस को पता चल जाएगा, और फिर गायत्री को भी। नहीं 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 नहीं, नहीं। तेरे चेहरे से कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हंस उर्मिला, हंस 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 हंस। उर्मिला भाई नहीं, इसको शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो पता चल जाएगा। आओ आओ भद्रावती बहन आओ, बहुत खुश हूं मैं और खुश तो रहूंगी ही ना मैं, कोई मरने थोड़ी वाला है घर। हाँ मैंने भी ऐसा कुछ सुना नहीं कि कोई मरने वाला है। कुछ काम था बहन, वो घर में दही खत्म हो गया है तो आपके घर में होगा। तो लेने आई। ले जाओ इरावती बहन ले जाओ, क्या रहने वाला है इस दुनिया में। हाँ सबको एक ना एक दिन तो जाना ही है, चाहे वो इंसान हो जानवर या दही। एक पल है तो दूसरे पल नहीं। दही नहीं है। नहीं वो है, लेकिन वो भी तो अभी चला जाएगा आपके घर। देखा ना, ऐसा ही होता है वहाँ। दुनिया में ऐसा ही होता है, जिंदगी भी अभी है और अभी नहीं। पंखीड़ा ने अभी जरूर चुनू चुनू ला। बैठो बैठो स्मशानवती बहन, मैं दही लेकर आती हूँ। चुनू चुनू ला। अरे चर्मी हुई नहीं या? हेलो, हाँ कौन? हाँ मंगू वड़ा पाव वाले। हाँ बोलिए बोलिए, क्या आपको दुकान चाहिए हमारी? एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना। प्रभाकर दादा, आपने मंगू वड़ा पाव वाले को ऐसा बोला कि हम हमारा ये भाखरवाड़ी का धंधा बंद करके ये दुकान भाड़े पे रखने वाले। भाकर नालायक, ऐसा बोला तूने? गाड़वा अन्ना, अन्ना। माना माना प्रभाकर दादा, माना कि ये महेंद्र भाव ने फ्री छतरी की जो स्कीम चालू की है उससे हमारा धंधा चौपट हो गया। लेकिन अन्ना हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन हमारी ये खानदानी फिलहाल नहीं चलने वाली दुकान को हम कभी भाड़े पे नहीं देंगे, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा केशव तूने। वो मंगू दे दे दे, फोन दे मुझे, वो मंगू वड़ा पाव का खाली पेट बनाता हूँ मैं। दे फोन रख, फोन रख। इसका क्या कसूर अन्ना? इसे तो वही सुना जो प्रभाकर दादा ने बोला। प्रभाकर तुझे तो मैं उधर क्या देख रहा है? हमारे गिराज पे ध्यान दे, उधर क्या देख रहा है अन्ना? वो मंगू वड़ा पाव वाला तो वहाँ महेंद्र भाव के यहाँ लाइन में उछल रहा है। हाँ वो 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 देखो, सफेद बाल वाला टकलू। बाल वाला टकलू? अच्छा वो तो फिर इसको फोन किसका है? हाँ इधर
भाई हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है, गायत्री के पास सिर्फ 10 साल है जीने के लिए। कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे थे? हो सकता है मैंने गलत सुन लिया हो। कहां फंसा दिया गायत्री ने मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लव लेटर में क्या लिखूं? ये अभिषेक इतना परेशान क्यों है, कहीं इसे भी तो पता नहीं चल गया। अभिषेक तुम इतना परेशान क्यों हो? वहीं प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए ना। क्या हुआ अभिषेक, अन्ना ने डांटा या मेरे कविराज ने कोई गाना सुना दिया जो तुम समझ नहीं पा रहे हो? वहीं ना ही मुझे अन्ना ने डांटा है, ना ही प्रभाकर दादा ने कोई गीत सुना है, ना ही किसी और घर वाले ने मुझे कुछ कहा है। अभी प्लीज आप जाइए ना। घर वालों ने नहीं तो ससुराल वालों ने कुछ, मतलब वहां से किसी ने कुछ कह दिया है कोई बात में? ऐसा ही कुछ वही नहीं। ये गायत्री बिना आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अकेला छोड़ दो कहकर मुझे अकेला छोड़कर चला गया। देवा 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 देवा, नक्की अभिषेक को गायत्री 10 साल में जाने वाली ही पता चल गया। मतलब मैंने कुछ गलत नहीं सुना, मुझे सासू माई को बताना पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रही है तो भारती, गायत्री के पास जीने के लिए सिर्फ 10 साल बाकी है। हाँ वहिनी, आपने बराबर सुना? हाँ मैंने एकदम बराबर सुना और देखा भी। अभिषेक का चेहरा गायत्री की मौत के डर से श्राद्ध खाना आए कौवे की जैसे हो गया है। हाँ आई, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। अभिषेक सुबह से बहुत बेचैनी में घूम रहा है, मैंने पूछने की कोशिश भी की लेकिन उसने कुछ बराबर जवाब नहीं दिया। जरूर जरूर उसे गायत्री का ही टेंशन हो गया है। कमाल है अभिषेक भी, एक लव लेटर लिखने को क्या कह दिया, इतना परेशान हो गया। निर्मिति हमें ऐसे वक्त पे अभिषेक के साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ वही नहीं, हमें हर संभव मदद करनी चाहिए अभिषेक की। कितना प्यारा परिवार मिला है मुझे, अभिषेक मुझे लव लेटर लिख कर दे पाए इसलिए पूरा परिवार उसकी मदद करने को तैयार है। लेकिन नहीं, ये लव लेटर तो अभिषेक को ही लिखना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि दुकान से सारे मर्दों को बुलाकर ये बात बता देते। नहीं नहीं रुको, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि भारती ने जो भी सुना वो सच है, इसलिए जब तक ये खबर पक्की नहीं हो जाती हम तीनों में से कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। ना मैं अपने आहो को, ना तुम दोनों प्रभाकर और केशव को। हाँ ये भी बात सही है। भारती तू उनके घर पे जाके ये बात सच है कि नहीं उसका पता लगा क्या? डायरेक्ट जाके पूछ के आऊं? नहीं रे डायरेक्ट नहीं, बातों में से बात निकाल के। लेकिन बात में से बात निकाल दूंगी तो कहने को बात बचेगी कहाँ? अरे इसका क्या करूं मैं, मेरा मतलब है कि तू कोई बहाना बना के उनके घर जा और फिर इधर उधर की बातें करके जानकारी लेके आ कि यह बात सच है या तेरे कान का वहम। लेकिन अभी की अभी वापस गई तो उर्मिला वहनी को वहम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कल सुबह पहला काम यही करना हा? लेकिन तब तक कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। ठीक है सासू भाई। यस, ये आइडिया करेक्ट है। हाँ। मेरी प्यारी गायत्री, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं, कहना चाहूं भी अगर तुमसे क्या कहूं। वाह, किसी जुबा में भी वो लफ्ज ही नहीं जिसमें तुम हो, क्या मैं तुम्हें बता सकूं? डन, ये गाना बेस्ट है, यही चिपका देता हूं।
हाँ गायत्री, थोड़ी देर रहा, तुम्हारा लव लेटर तैयार हो ही जाएगा। वो तो हो ही जाएगा ना। पूरा घर जो मदद कर रहा है। क्या मदद? ये क्या बोल रही हो तुम गायत्री? सब पता है मुझे, ज्यादा भोले मत बनो। एक बात याद रखना अभिषेक, अगर मुझे पता चला कि लव लेटर लिखने के लिए तुमने किसी की मदद लेकर या फिर किसी के शब्द चुराकर या कोई सीधा सीधा गाना उठाकर चिपकाया है ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गायत्री सुनो ना। सुनूंगी, हाँ जरूर सुनूंगी। एक बार तुम ये प्रेम पत्र लिख लो, फिर तुम्हारे और मेरे दोनों के घर वालों के सामने सुनूंगी। हाँ क्या कह रही हो तुम गायत्री? तुम अन्ना को जानती हो ना? सगाई के बाद हमारे मिलने पर उन्हें प्रॉब्लम है, और तुम पूरे परिवार के सामने। मैं कुछ नहीं जानती। लव लेटर तो तुम्हें हम दोनों के परिवार वालों के सामने ही पढ़ के सुनाना होगा बस। और ऐसा लेटर जिसमें कोई भी शब्द ऐसा ना हो जो मैंने पहले सुना हो। नो कॉपी, हाँ एकदम डायरेक्ट फ्रॉम हार्ट वाली बात चाहिए मुझे। ओके नाउ बाय। ये गाना तो गायत्री तुरंत पकड़ लेगी। तो अब कहां से लाऊं ऐसा जो मेरा भी लगे और प्यारा भी।